आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 12th क्लास का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन या जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनन के बारे में जानते हैं। जनन किसे कहते हैं, जीवों का अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाएगी, जनन। ठीक है, जब जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करेंगे, जैसे हम लोग हैं, जो इंसान है वो किसको पैदा करेंगे, इंसान को। एनिमल है जैसे आपका गाय भैंस भेड़ बकरी हो गया, तो वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, जनन। ठीक है, अब देखिए जो जनन होता है वो कितने तरह का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इसमें जो जनन है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जनन के बारे में जान लेते हैं। जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन दो प्रकार का होगा, पहला कौन सा होगा, लैंगिक जनन, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये लैंगिक जनन क्या होता है, देखो लैंगिक जनन, अब जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, लैंगिक जनन मतलब वह जनन जिसमें लिंग आपस में संयुग्मित होकर या मिलकर एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे इसमें अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें युग्मक बनेंगे लैंगिक जनन में। ठीक है, जैसे मादा में क्या बनेगा, ओ फीमेल गैमेट या मादा युग्मक, और नर में क्या बनेगा, मेल गैमेट या क्या बोलेंगे इसको, नर युग्मक। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर कर लें, लैंगिक जनन समझ में आ गया आपको। अब दूसरा आपका क्या है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक मतलब जिसमें लिंग आपस में संयुग्मित नहीं होते, जिसके बनने में मतलब जिनमें जीवों के बनने में लिंग आपस में संयुग्मन नहीं करते, वो आपका क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें लिंग आपस में मिलकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं वो लैंगिक, और जिसमें लिंग का आपस में संयुग्मन नहीं होता वो आपका क्या कहलाएगा, अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम क्योंकि हम मानव जनन पढ़ रहे हैं, तो मानव जनन में क्या आएगा, लैंगिक जनन। जितने भी ह्यूमंस भी होते हैं और एनिमल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम किसके बाद दो युग्मक बनेंगे, एक क्या होगा, नर युग्मक, या इसे क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट। ठीक है, तो लैंगिक जनन में एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। अब जो नर युग्मक होगा, नर युग्मक में क्या बनता है, लाइटली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जो आपका नर युग्मक होगा उसमें क्या, किसका कौन सा युग्मक होगा, शुक्राणु। नर युग्मक के रूप में इसमें क्या होगा, शुक्राणु, और इसमें मादा युग्मक के रूप में क्या होगा, अंडाणु। जब ये शुक्राणु और अंडाणु इसमें
दूसरा युग्मक के रूप में क्या होगा, अंडा अणु। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन, और इसी से क्या बनेगा, एक नया भ्रूण और उसी से नया बेबी या शिशु का जन्म होगा। तो निषेचन से क्या बनता है, जायगोट, या इसे हम क्या बोलेंगे, युग्मनज। ठीक है, और इसी युग्मनज से फिर किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, और फिर बच्चे का। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीजर किसकी हो गई, देखो मानव जन्म में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनन की। जनन दो प्रकार का, जनन क्या होता है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। अब ये कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसमें लिंग आपस में संलयित तो होकर नए जीव की उत्पत्ति करेंगे, लैंगिक जिसमें लिंग का योगदान नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक। ठीक है, मैक्सिमम अलैंगिक जनन में आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे प्लांट्स हो गए, कुछ जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, उसमें ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीचियम हो गया, और बैक्टीरिया हो गया, और आपका ये हाइड्रा वगैरह हो गए, तो इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है जिसमें लिंग का कोई भी योगदान नहीं होता और शरीर के किसी भी भाग से दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका किसमें आता है, अलैंगिक जनन में। अब लैंगिक में एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब इसमें नर युग्मक क्या होगा, शुक्राणु, और इसमें मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु। ठीक है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट से भ्रूण, और फिर आगे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रोसीजर किसकी होगी, जनन की। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लैंगिक और अलैंगिक दोनों की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं।